भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं जिलाध्यक्षों की परिचयात्मक बैठक एक निजी होटल में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने युवा मोर्चा के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों व क्षेत्र के समस्त 12 जिलों के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को प्रचंड जीत के लिए आह्वान किया और कहा कि युवाओं के अंदर सबसे अधिक राष्ट्रभक्ति की भावना होती है, इसलिए युवा सर्वप्रथम अपने राजनीतिक विकल्प के रूप में भाजपा को पसंद करता है, क्योंकि युवा जानता है भाजपा मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा, क्योंकि भाजपा परिवार के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए काम करती है। वहीं अन्य पार्टियां सपा बसपा कांग्रेस केवल अपने परिवार के लिए काम करती है। वहीं युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष पुरुषार्थ सिंह ने कहा कि पार्टी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच विभिन्न अभियानों की शुरुआत करेगी तथा युवाओं के बल पर गोरखपुर क्षेत्र की 60 विधानसभाओं को जीतकर पार्टी के झोली में डालने का कार्य करेगी। इस अवसर पर भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय महामंत्री प्रदीप शुक्ला, भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्वजितांशु सिंह आशु, क्षेत्रीय मंत्री बजरंगी सिंह बज्जू, युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष पुरुषार्थ सिंह, प्रदेश शोध प्रमुख संतोष जायसवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, शोध कार्य के प्रमुख श्री संतोष जायसवाल राजन जी, मैं आप सभी का आज भारतीय जनता युवा मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र के परिचयात्मक बैठक में अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता युवा मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र के सभी जनपदों के आए हुए आदरणीय जिलाध्यक्षगण, आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में हम सभी के बीच उपस्थित क्षेत्र के महामंत्री आदरणीय श्री प्रदीप शुक्ला जी, क्षेत्र के उपजितांशु सिंह आशु जी, क्षेत्र के यशस्वी मंत्री बड़े भाई श्री बजरंगू सिंह बच्चू जी, आदरणीय श्री क्षेत्र के अध्यक्ष पुरुषार्थ सिंह जी, शोध मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, भारत माता, आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। गोरखपुर क्षेत्र के लिए यह सौभाग्य का विषय है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए सौभाग्य। अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र प्रत्येक पदाधिकारियों का प्रत्येक यहाँ क्षेत्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि हमारे कार्यक्रम के जो है आपके द्वारा दीप प्रज्वलन सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा होना है। इसी अगली कड़ी में मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं हमारे युवा मोर्चा के प्रभारी एवं क्षेत्र के स्वागत इस कार्यक्रम में, इसी क्रम में मैं क्षेत्र के उपाध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई हमें स्वागत अभिनंदन करें एवं हमारे विभिन्न मोर्चों अभियानों के प्रमुख बनाए गए भारतीय जनता स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। शोध विभाग के प्रमुख श्री संतोष जायसवाल जी के योजनाओं को लेकर के इस बैठक में परिचय को लेकर के हम सभी को आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन स्वागत। बीच के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय गुरसाहब सिंह जी, आज की बैठक को आगे मैं बाबू राजभर, मैंने जो है 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मैं मनमोहन अप्पू 2009 में विद्यार्थी परिषद का सदस्य बना, उसके बाद 2013 में विद्यार्थी परिषद के टिकट से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा देवरिया बीआरडी पीजी कॉलेज से। उसके बाद मैं, मेरा नाम अंबिकेश धर दुबे है, मैं सिविल कोर्ट गोरखपुर में अधिवक्ता हूँ तथा मेरा राजनीतिक जीवन 2010 से कस्तूरबा बूथ से शुरुआत था। बूथ अध्यक्ष का दायित्व तो मुझे मिला था। मैं रंजीत सिंह, मैं 2015 में विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा, विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री और प्रदेश कार्य समिति। आदरणीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से 23 जून को मुझे गोरखपुर क्षेत्र के युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में नए दायित्व की सूचना मिली। मैंने सबसे पहले आदरणीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त कर दिया। मैंने आभार व्यक्त किया कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने मुझे भगवान गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की धरती का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर दिया।
आदरणीय अध्यक्ष जी को बताना चाहूंगा कि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद 30 जून को हमारे उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रांशु दत्त द्विवेदी जी का स्वागत कार्यक्रम लखनऊ की धरती पर हुआ। गोरखपुर क्षेत्र से सैकड़ों युवाओं ने लखनऊ की ओर अपनी अपनी संख्या के साथ वो लखनऊ की ओर निकल पड़े। गगन भेदी नारों के साथ युवा मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जिंदाबाद, इन गगन भेदी नारों के साथ युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अपनी मजबूत उपस्थिति लखनऊ की धरती पर दर्ज कराई। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को बताना चाहूंगा, आदरणीय अध्यक्ष जी के प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत के बाद जो क्षेत्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है वो टीम के गठन का विषय होता है। तो टीम के गठन करने से पहले मैंने विचार किया कि मैं सभी जिलों में प्रवास करूं, एक एक करके एक सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का प्रयास करूं। इसी क्रम में दिनांक 2 को मैंने अपना प्रवास कार्यक्रम लालगंज से शुरू किया। लालगंज से आजमगढ़, फिर मऊ, फिर बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, फिर गोरखपुर महानगर। दिनांक 9 को मैंने अपना प्रवास कार्यक्रम गोरखपुर महानगर में समाप्त किया। इस प्रवास कार्यक्रम में मैंने सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों से पर्चे बैठक की, सभी कार्यकर्ताओं से भेंट की, लगभग 10,000 से अधिक युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से एक बार मिलना हुआ। उनके विषय जो युवा मोर्चा के लिए उनका विजन है, जो उनकी सोच है, क्षेत्रीय टीम के लिए क्या होनी चाहिए, जिला टीम के लिए क्या होनी चाहिए, इन विषयों पर उनसे चर्चा की। सभी मेरे क्रांतिकारी तबीयत के नौजवान मित्रों, सबसे पहले मैं आज की इस परिचयात्मक बैठक में 31 की जो क्षेत्र की कार्य समिति है, जिसमें हमारे सभी पदाधिकारी और कार्य समिति के सदस्य हैं, ऐसे तीन चार लोगों ने जो विशेष कारण से नहीं आए, कोई अस्वस्थ है, कोई लखनऊ गया, कोई बाहर, शेष 100% उपस्थिति हुई है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। हमारे गोरखपुर क्षेत्र के सभी 12 जनपदों के जिलाध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं और 100% उपस्थित के लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। पुरुषार्थ जी के क्षेत्र अध्यक्ष होने के बाद से ही भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश भर में जो कार्यक्रम तय किए या भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तरदायित्व दिया, मैं आप सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूँ कि गोरखपुर क्षेत्र ने पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रियता के साथ नंबर 1 पर आने का काम किया है। और मुझे विश्वास है भारतीय जनता युवा मोर्चा अपने उत्तरदायित्व को ठीक ढंग से निर्वहन करते हुए भारतीय जनता पार्टी की ताकत को और मजबूत बनाएगा। भारतीय जनता, मैंने प्रारंभ में कहा था, युवा मोर्चा भविष्य की भाजपा, और इसलिए हमारे हर कदम को समाज भी देखता है। जो युवा मोर्चा के कुछ कार्यक्रम बताए गए वो युवा मोर्चा ने तय किया है, राष्ट्रीय स्तर पर तय किया है, प्रदेश स्तर पर तय किया है। मोर्चे प्रकोष्ठों के लिए, विभाग के लिए अलग अलग काम है, लेकिन फिर भी जो पूरा अभियान भारतीय जनता पार्टी का, पूरा जो हमारा इलेक्शन का रोड मैप है आज से लेकर के चुनाव तक, उसमें एक बड़ी भूमिका हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की है, और इसलिए सब मिल करके उस सब अभियानों को पूरा करेंगे। अभी तक हम सब ने जो बूथ समिति हमारी पार्टी के का आधार है, उसको सत्यापन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है, और गोरखपुर क्षेत्र में भी हम सब ने 25,650 बूथ हमारे जो हैं गोरखपुर क्षेत्र के 12 जनपदों के, कुल मिलाकर के केवल 20 बूथ ऐसे रह गए जो बाढ़ के कारण या अन्य कारण में, सभी बूथों को 100% सत्यापित करने का काम, और उसमें एक बड़ी भूमिका आप सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की भी है। जो दूसरा चरण इसका 11 सितंबर को हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो बूथ विजय अभियान का शुभारंभ किया, सभी शक्ति केंद्रों पर, उत्तर प्रदेश के 27,700 शक्ति केंद्रों पर सब लोगों ने जूम ऐप के माध्यम से जुड़ करके उनके कार्यक्रम को सफल बनाया था। गोरखपुर क्षेत्र के भी 4,222 शक्ति केंद्रों पर, उसमें लगभग हमको लगता है कि 100%
कुछ सेक्टर बाकी रह गए थे, लेकिन शत प्रतिशत सेक्टरों पर ये कार्यक्रम, शक्ति केंद्रों पर ये कार्यक्रम सफल हुए थे और पन्ना प्रमुख बनाने का काम भी हम सब कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष पुरुषार्थ सिंह के नेतृत्व में जो टीम बनी है, पूरे गोरखपुर क्षेत्र के पदाधिकारी और सभी जिलाध्यक्षों की ये परिचयात्मक बैठक थी। हम सब ने अभी तक जो कार्यक्रम किए हैं उसकी एक समीक्षा और आगामी जो कार्यक्रम और अभियान हैं उस सब के बारे में परिचय करने के उपरांत आज विस्तार से चर्चा हुई है। विशेष रूप से हम सब ने जो सभी बूथों के सत्यापन किए हैं और आगे अभी पन्ना प्रमुख बनाने का जो काम कर रहे हैं, 17 सितंबर से और लेकर के 7 अक्टूबर तक, 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के 71 वर्ष पूरे हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी विभिन्न प्रकार के अभियान कार्यक्रम चलाने वाली है। मोर्चे प्रकोष्ठ के लोग भी अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चलाने वाले हैं, उन सब की भी विस्तार से चर्चा हुई है। 19 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 4.5 वर्ष ऐतिहासिक पूरे हुए हैं, उस तिथि को भी हम सब ने कई कार्यक्रम रखे हैं। विशेष रूप से जो 25 सितंबर को दीनदयाल जी की जयंती के पहले हम सभी शक्ति केंद्रों पर पन्ना प्रमुखों के साथ बैठेंगे और उनकी योजना रचना बनाएंगे। 25 सितंबर को दीनदयाल जी की जयंती मनाएंगे और आगे के जो कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान तक विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, सरकार और संगठन मिल करके सभी कार्यक्रमों को संचालित करेंगे। उसी के दृष्टि से आज युवा मोर्चा के गोरखपुर क्षेत्र के सभी 12 जिलों के परिचयात्मक बैठक भी हुई है और सभी आगामी कार्यक्रमों को विस्तार से हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा हुई है।